दिव्यांगता, जिसे अक्सर हमारे समाज के लोगों के द्वारा अभिशाप माना जाता है, यही कारण है कि समाज में दिव्यांगों को लोग एक अलग भावना से देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल में जज्बा हो तो दिव्यांगता भी वरदान साबित हो सकती है। इसी को सच कर दिखाया चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के चट्टी गाड़ीलोंग गांव के निवासी सौरभ प्रसाद ने। बचपन से ही सौरभ ग्लूकोमा नामक नेत्र रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण महज 11 साल की उम्र में ही सौरभ ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जिससे सौरभ अब देख नहीं पाते हैं। लेकिन अपनी नेत्रहीनता को सौरभ ने अभिशाप के बदले वरदान मानकर मेहनत किया, और इसी का परिणाम है कि आज सौरभ माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में जॉब पाकर यह साबित कर दिया कि नेत्र के हीन तो जरूर हैं, लेकिन हौसलों के नहीं। जिस दिव्यांगता और नेत्रहीनता के कारण जो बच्चे अथवा युवा ठीक से स्कूलिंग भी नहीं कर पाते, उन बच्चों अथवा युवाओं के लिए अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा से लबरेज सौरभ आज प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। सौरभ बचपन से ही पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे, जिसके बाद पिता की प्रेरणा और अपनी मेहनत के कारण सौरभ आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे। सौरभ बचपन से ही ग्लूकोमा नामक बीमारी से पीड़ित थे, जिसके कारण कक्षा 3 के बाद उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। बावजूद सौरभ ने हार मानने के बजाय आगे की पढ़ाई ब्रेल लिपि से करने की ठान ली, जिसके बाद पिता महेश प्रसाद ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने में पूरा साथ दिया, और फिर सौरभ का नामांकन रांची के संत मिखाइल स्कूल में करा दिया, जहां से सौरभ ने 7वीं तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन 7वीं के बाद सौरभ की जिंदगी में बड़ी रुकावट सामने आ गई, क्योंकि ब्रेल लिपि से 8वीं से 10वीं तक की किताबें छपी ही नहीं है। ऐसे में सौरभ के पिता को भी लगा कि हमारी सारी मेहनत अब बेकार चली गई। उन्होंने बताया कि बहुत आग्रह करने के बाद सरकार के द्वारा सौरभ के लिए 8वीं से 10वीं तक की किताबें छापी गई। इसके बाद सौरभ का नामांकन IBS देहरादून स्कूल में करवाया गया, जहां सौरभ ने 10वीं की परीक्षा 97% अंक लाकर टॉप किया। इतना ही नहीं, 93% अंकों के साथ 12वीं से भी पास की, जिसके बाद IIT दिल्ली में सौरभ का CSE में नामांकन करवाया गया, जहां वर्तमान में सौरभ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। सौरभ के पिता बताते हैं कि सौरभ की आंखों की रोशनी जाना एक पल के लिए हमारे हौसलों को तोड़ दिया था, लेकिन बेटे के हौसलों के आगे मैंने हिम्मत नहीं हारी, उनके हर कदम पर साथ चला। इसी का परिणाम है कि आज सौरभ माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब पाकर घर परिवार के साथ पूरे प्रखंड और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं माँ बताती है कि हमें झकझोर कर रख दिया था कि अब सौरभ का जीवन का पहिया कैसे चलेगा, लेकिन शायद सौरभ ने कुछ और ठाना था। इसी का परिणाम है कि आज सौरभ माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब पाया है। बहरहाल सौरभ उन युवाओं और माता पिता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो अपनी दिव्यांगता को अभिशाप मानकर अस्थिर पड़ जाते हैं। सौरभ के इस सफलता से उन्हें सीख लेनी चाहिए कि अगर हौसले बुलंद हों तो दिव्यांगता और नेत्रहीनता आपके सफलता के रास्ते का रोड़ा कभी नहीं बन सकता है। रिसेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप ख़त्म किया, और उसके बाद मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला वहाँ से, और आगे मैं और भी बहुत सीखने के लिए, कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए और टीचिंग के लिए और एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइन के लिए काम करना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा हो सके जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इसका बेस्ट यूज़ करके अपने पोटेंशियल्स को आउटग्रो करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि नेत्रहीनता एक चुनौती का विषय है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरह से सोचने की बात है। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि नेत्रहीनता एक चुनौती की बात है, मैं मानता हूँ, पर एक तरफ से समाज को भी इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, राइट? अभी से अगर 10 साल 20 साल पहले आप चले जाओ और फिर जा करके आप इसी सिचुएशन को एनालाइज करो कि गेटिंग अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी, पर पिछले डेकेड में हुई टेक्निकल एडवांसमेंट ने सब कुछ इतना ईजी बना दिया है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए जिनको यूज़ करके मैं वो सब काम कर सकता हूँ, इवन फास्ट तरीके से कर सकता हूँ, जितने फास्ट आप कर सकते हो। यही कहूँगा कि बेटे के अंदर जो कैपेबिलिटी थी, उन्होंने इनके अंदर जो क्षमता थी, हम लोगों ने उनको ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म दिलाने का प्रयास किया, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं सौरभ को दूंगा कि सौरभ ने उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझा और समय की कीमत को समझते हुए और अपने आप को डेवलप करने के दिशा में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। इनका तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में लगा है, इसके पहले भी किसी और कंपनी में इनका लगा था, तो वो साधारण कंपनी थी, लेकिन ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड है। माइक्रोसॉफ्ट तो नाम बड़ा नाम है। बहुत खुशी महसूस हो रही है और
मैं भी पैसे से एक टीचर हूँ और दूसरे बच्चों का लाइफ बनाने में लगा रहता हूँ, तो मेरा भी बच्चा का लाइफ कोई ना कोई टीचर बना रहा होता है, ये मुझे ऐसा विश्वास है और बहुत खुशी हो रही है कि सौरभ मेरा इतना अच्छा अचीवमेंट किया है। यही कहेंगे कि मतलब जिसके घर में मालिक जब छोटा था और ऐसा हुआ था तो बहुत बहुत सोचते थे कि कैसे होगा मेरे बाबू का, मतलब आगे कैसे, कौन देखेगा, क्या करेगा, तो बहुत चिंता होती थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, बचपन से ही तेज है पढ़ने में, और जब ये सोचते थे कि जब ये स्कूल जाता था अब इसको ब्लैक बोर्ड में नहीं दिखता था, तो आकर कोई कोई कंप्लेन करता था कि आंटी आपका ये बाबू है ना नहीं देख पाता है, तो बहुत तकलीफ होता था कि कैसे मेरे बाबू का होगा, क्यों कौन इसका परवरिश करेगा। और हम लोग जब तक है तब तक हम लोग कर दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग नहीं देंगे फिर इसको कौन देखेगा। तो फिर इसका देखे पढ़ाई कि बहुत ही आगे है, तो कोई बताया कि बहू बाजार में एक स्कूल है वहाँ पे ब्लाइंड लोग का पढ़ाई होता है, तो फिर इसका पता लगाए, फिर इसको लेकर वहाँ पर गए। मेरा जो सपना था वो पूरा हो रहा है, कि अब इसके भविष्य को लेकर अब हमको चिंता नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा।